देखिए जया अमिताभ बच्चन वाला कोई इशू बनना नहीं चाहिए था। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी सदस्य को बुलाने के लिए नाम पुकारा जाता है और नाम वही पुकारा जाता है जो नाम हमने लिख के दिया है, या तो मतदाता सूची में जो नाम होता है हम वही नामांकन में भरते हैं। इसके अलावा भी हमें एक विशेष अधिकार होता है कि हम अपने नाम में कोई परिवर्तन करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा, मूल आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता है, छोटा मोटा लाल राम वगैरह तो वो थोड़ा बहुत चालू करना चाहे तो वो कर सकते। अब जया जी ने खुद ने अपना फॉर्म भरा, सब भी जया अमिताभ बच्चन भरा तो नाम वही पुकारा जाएगा, तो आसन से वही नाम पुकारा गया, उन्होंने ऐतराज किया कि मेरे साथ ये क्यों किया जाए। आसन ने कहा कि आप चाहे तो ये चेंज करवा सकते हैं, तो तुरंत उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है। किसने किया आसन, तो खुद ने ही पूछा कि मेरे को ये क्यों पुकारा जा रहा है, फिर खुद ने ही ये कहा। इस विषय पर थोड़ी बहुत छोटी मोटी नौकरियों को मुझे फिर उन्होंने लेकर क्या दिया कि आपका चेहरा ऐसा हो जाता है आप उसमें बोलते हो, आपका फोन ऐसा है, मैं आप और हम कलीग है। मैं सोचता हूँ कलीग शब्द बहुत गलत था, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं जो एक अलग, और राज्यसभा का सदस्य बहुत अलग है, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, हम कलीग हैं। हमें वो कलीग कह सकते हैं, उपराष्ट्रपति को और सभापति को कलीग कहना हम नहीं कह सकते, हमारे कलीग है नहीं, वरिष्ठ है और उनका एक सम्मानित पद है, ये बात कहना मैं सोचता हूँ उन्होंने गलती की है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर कांग्रेस ने विशेष रूप से, मैं आपको एक बात बताऊं कि वहाँ सोनिया जी उकसा रही थी, जब आसिम ने किसी प्रश्न के लिए नाम पुकारा किसी सदस्य का जिसका प्रश्न था, पहला प्रश्न नाम पुकारा, तो उन्होंने इशारा किया कि तुम मत बोलो, नहीं बोले और हंगामा शुरू हो गया, कांग्रेस एक हंगामा करने लग गई। मैं सोचता हूँ कि अमर्यादित था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोकतंत्र की परंपरा है वो निभाना चाहिए। देखिए सत्ता पक्ष विपक्ष सबको अपना अपना दायित्व निभाना, विपक्ष को अपना विपक्ष की भूमिका निभाना है, हमें कोई ऐतराज नहीं, निभाए हम अपेक्षा करते हैं उनसे, क्योंकि विपक्ष का दायित्व जनता ने दिया है तो वो अपना दायित्व निभाए, लेकिन वो हंगामा करे मैं सोचता हूँ इससे प्रश्न काल पूरा बर्बाद हुआ। सदन हमारा 12 तारीख तक चल सकता था, कितना पैसा जनता का खर्च होता है सदन को चलाने के लिए, कितनी व्यवस्थाएं होती है, कितने प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए पूरी मशीनरी एकजुट होती है, पूरे देश भर की मशीनरी एकजुट होकर के और आंकड़े एकत्रित करती है और वो आंकड़े जनता के सामने पेश करने होते हैं, और उसको बर्बाद करना मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है, इसलिए जवाबदारी दोनों की है। हिंदुस्तान में कतई नहीं हो सकता, पहली बात तो हिंदुस्तान देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय चरित्र पैदा हुआ है, इसलिए यहाँ ऐसा संभव नहीं है। वहां पर जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत हुआ, वहां की सत्ता ने भी शायद इस व्यवस्था को समझा नहीं, पहले से मशीनरी होती है जो पहले से सूचना देती है, मैं सोचता हूँ वहां कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। हमारी सरकार पता था, सावधान थी, जानकारी थी, बॉर्डर को हमने बिल्कुल टाइट कर दिया है, बॉर्डर पर किसी भी, आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में भी, आपके चैनल्स के माध्यम से भी आया होगा कि बॉर्डर को हमने बिल्कुल सीज किया, संभाला, किसी भी प्रकार का कागज देख, जैसे हमने कहा है कि प्रताड़ित कोई भी आएगा हमारा बांग्लादेश से तो हम उसको लेंगे, ये हमने पहले ही घोषणा कर रखी है, तो हम कागज देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं कि उनकी कार्ड में कोई अवांछित व्यक्ति नहीं आ जाए, हम इसको पूरा निगरानी रख रहे हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये 5 दिन से बिल्कुल निगरानी रखे हुए हैं, डोभाल जी भी और विदेश मंत्री जी भी और रक्षा मंत्री जी भी सारे इस व्यवस्थाओं पर, वो अभी बाकी सब से मिलना जुलना उन्होंने कहा कि नहीं अभी पहले ये व्यवस्था बराबर वो संभाल सरकार ने चला, वहाँ की जो अभी वर्तमान सरकार बनी है उस सरकार को भी और बिल्कुल संदेश दे दिया है कि इसको तत्काल रोका जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का हिंदुओं पर या किसी भी वर्ग पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं होने दें, अनुशासन कायम करें, सरकार व्यवस्थित रूप से काम करें और हम मतलब
वहां से कोई भी खुदारी आएगा और उसको सरेंडर